पर्पस कहाँ हैं डेवोस के? मैंने पूछा प्रिंसेस पेपर्स कहाँ हैं? आप प्लीज अभी कुछ मत बोलिए नक्श। होने से पहले तो आपने कुछ बताया नहीं, अभी आप प्लीज पापा को कहने दीजिए। नायरा, चीज वैसे ही होगी जैसे कि तुम चाहती हो। मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम्हें इस वक्त कुछ नहीं सोच रहा है, और अगर यही करना था तो 2 साल वेट क्यों किया? पहले ये डिसीजन क्यों नहीं लिया? नहीं, जब सबके दिलों में उम्मीद जगने लगी। कोई उम्मीद नहीं है पापा, सिर्फ गलतफहमी है। किसी को कोई उम्मीद नहीं है। कैसे नहीं है? हमने खुद देखा है, अभी एनिवर्सरी पर तुम दोनों जब साथ थे, क्यों तुम दोनों ने सारे अरेंजमेंट साथ में किए? क्यों हमें पार्टी में इन्वाइट किया? क्यों तुमने कॉलेज नहीं छोड़ा? क्यों उसने बिल्डिंग नहीं छोड़ी? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम हमें नहीं बताओगी तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है? मुझे पता है तुमने ये फैसला क्यों लिया। सोरा जी ने जो रिएक्ट किया, जो उन्होंने कहा, उसकी वजह से ना। वो जो कहती है या करती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिश्ता तुम्हारा और कार्तिक का है। अगर तुम दोनों ठीक हो तो सब ठीक है। कोई क्या सोचता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि अपने पापा की बात को। नहीं तो बड़ी हो गई हूं ना पापा, कि अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सको। सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई कि मैंने सोचा कि इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले मेरी बेटी मुझसे सलाह जरूर लेगी। शायद उसकी जिंदगी में मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। ऐसे मत कहिए पापा, आपको पता है ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज। इट्स ओके बेटा, आई अंडरस्टैंड। दोबारा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आई एम सॉरी पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है पापा, प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए। आप सब जाइए, सो जाइए। मैं हूं माँ के पास। मैं हूं यहाँ, तुम जाओ आराम करो। नहीं पापा, मैंने कहा ना, आप लोग सब जाइए, मैं हूं यहाँ पर। तुम्हें क्या मेरी हर बात काटनी होती है? चलो किट्टू, चलो चलो। मुझे किसी बारे में कोई भी बात नहीं करनी मनीष जी। बात तो मुझे भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं है मैंने कुछ कहा तुम्हें बात बुरी लग गई तो तुम तो गाड़ी में सेल्फ लगा के और निकल दोगी। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे सुना। शुभम पे जाने के बाद मुझे लगा था तुम्हें इतना तो एहसास हो गया होगा कि जाने वाला तो चला जाता है, मर जाता है एक बार, लेकिन पीछे जिन्हें छोड़कर जाता है वो हर रोज कई कई बार मरते हैं। पर तुम्हें तुम्हें तो मेरे साये से भी प्रॉब्लम है। मेरा साया भी गवारा नहीं है तुम्हें। हॉस्पिटल में मिलने से इनकार कर दिया, यहां बात करने से इनकार कर दिया, ऐसे होते हैं हस्बैंड वाइफ। अगर किसी बात पर सहमत नहीं हो सकते तो एक दूसरे से बात करना बंद कर देंगे, मिलना बंद कर देंगे, रिश्ता खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर यही चाहती हो तुम तो ठीक है, ऐसा ही सही, चला जाता हूं मैं यहां से। रह लेना अपने बेटे के साथ। तो पता नहीं किस किस जिद में आके बच्चों ने पागलपन किया है, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। अगर अपने बेटे से प्यार करती हो तो बस इतना करना कि इस आग में और घी मत डालना।
क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना सोना, तो इस बार मैं बता रहा हूं कि गाड़ी में तुम नहीं मैं बैठा हूंगा। कुछ भी ना कह पाया, दिल भी तो ये गम ना सह पाया। बातें सारी याद आती है, ना रुका ये आंसू ना बह पाया। कितने गम दिल मेरा उठाता है। बेटियां बड़ी हो जाती हैं, अपने फैसले खुद लेने लगती हैं, पर बाप कभी बड़े नहीं होते, ना ही उनकी चिंता कभी घटती है। तुम मुझसे नाराज होकर दूर जा सकती हो प्रिंसेस, पर मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर चाहे हम एक दूसरे की बात से सहमत हो या ना, कभी सोच भी नहीं सकता था कि नायरा। हमने भी नहीं सोचा था किट्टू, हमें भी बहुत बड़ा झटका लगा। पर दादी, दादी उसने ऐसा किया क्यों? कैसे कर सकती है वो ऐसा? इसका जवाब तो नायरा ही दे सकती है बेटा। हम बस इतना कह सकते हैं, तुम अपने आप को संभालो, इस बात को अपने आप पर इतना हावी मत होने दो कि इस परेशानी से बाहर ना निकल सको। I'm sorry, पापा। I know, आप मेरे फैसले से खुश नहीं है, लेकिन इस वक्त यही बेस्ट था। अगर आपको बताती तो आप नहीं समझते। नहीं समझ सकता बेटा, क्योंकि जो सही है सिर्फ हमारा दिल जानता है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अगर लोग सही फैसले लेते हैं तो उन्हें चैन की नींद आती है, वो इस तरह बैठ के अकेले रोते नहीं। कहना है जो दिल कब कह पाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या, कहलाता है ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या, कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।